दोस्तों बवासीर के कारणों को अच्छी तरीके से समझ लेने से इसका इलाज बहुत ही प्राकृतिक तरीके से संभव हो जाता है, क्योंकि अगर हम कारण यानी रूट कॉज पे काम करेंगे तो ये इस समस्या का निदान करने में की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ये बहुत ही प्राकृतिक तरीके से हम कर पाते हैं। आयुर्वेद में बवासीर को त्रिदोषज्ञ कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यह तीन दोषों यानी वात पित्त और कफ तीनों के दूषित होने से होता है। बवासीर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भगंदर, फिशर, फिस्तुला इत्यादि। अंग्रेजी में इसे पाइल्स या हेमरॉइड्स भी कहते हैं और इसे एक्सटर्नल या इंटरनल हेमरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बवासीर यानी पाइल्स के कारण क्या होते हैं, ताकि हम इसका निदान अच्छी तरीके से सीख सकें। बवासीर का पहला सबसे प्रमुख कारण होता है जेनेटिक, यानी यह रोग अनुवांशिक रूप से माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। अगर माता पिता में से किसी एक को बवासीर है तो बच्चे में बवासीर होने की संभावना 15-20% तक बनी रहती है, और अगर माता पिता दोनों को ही बवासीर की समस्या है तो बच्चे में बवासीर के होने की समस्या 60% से अधिक हो जाती है। बवासीर का एक सबसे प्रमुख कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को भी माना गया है। कब्ज के दौरान व्यक्ति को मल त्याग करने में काफी कठिनाई होती है और बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेन्स पर काफी जोर पड़ता है और वो वेन्स फूल करके बाहर निकल जाती हैं, जिसे हम मस्ता यानी फिस्तुला भी कहते हैं। इसको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन बवासीर का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कुछ व्यक्तियों में डाइजेस्टिव ट्रैक डिसऑर्डर यानी पाचन तंत्र के सही तरीके से काम न करने के कारण भी बवासीर की समस्या देखी गई है। एसिडिटी, इसके अलावा गर्ड रिफ्लक्स या एसिड रिफ्लक्स के कारण भी बवासीर होने की समस्या काफी बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में मिर्च मसाले से युक्त भोजन का सेवन करने से भी बवासीर की समस्या हो जाती है, यानी अगर हम बाहर का तला हुआ खाना ज्यादा खाएं तो भी बवासीर की समस्या हो जाती है। और कुछ लोगों में बवासीर की समस्या इसलिए भी काफी हो जाती है क्योंकि वे फाइबरस फूड नहीं खाते। आपके खाने में थोड़ा बहुत फाइबर की मात्रा जरूर होनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों में अपने व्यवसाय या जॉब के कारण भी बवासीर होने की संभावना देखी गई है। वैसे लोग जो ज्यादातर खड़े होकर काम करते हैं, जैसे बस कंडक्टर या पुलिस, ऐसे लोगों में बवासीर की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है उनमें भी बवासीर की समस्या काफी रहती है। मोटापा यानी अत्यधिक वेट गेन होने के कारण बवासीर की समस्या काफी बढ़ जाती है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 30-35% लोगों को जो बवासीर की समस्या होती है वो उनके बीएमआई इंडेक्स के कारण होती है, यानी बॉडी मास इंडेक्स जब बढ़ जाता है यानी मोटापा अत्यधिक बढ़ जाता है तो बवासीर की समस्या हो जाती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या प्रसव के दौरान मल त्याग करने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है और ऐसे में उनमें बवासीर की समस्या काफी बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि ऐसे में एलोपैथिक दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयों से ही इस समस्या का उपाय करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में बवासीर की समस्या इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, यानी शारीरिक गतिविधि कम होने के कारण से बवासीर की समस्या काफी बढ़ जाती है। हमारे पास 15-20% बवासीर के ऐसे मरीज आते हैं जिनका बवासीर उनकी गलत आदतों के कारण होता है, जैसे कि अत्यधिक धूम्रपान या शराब का सेवन करने से भी बवासीर की समस्या हो जाती है। धूम्रपान यानी और शराब का सेवन करने से जो हमारे बाइल जूस है वो अच्छी तरीके से रिलीज नहीं हो पाते, जिससे पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता और ऐसे में कॉन्स्टिपेशन और इसके बाद बवासीर की समस्या हो जाती है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण भी हमारे शरीर का पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता और ऐसे मानसिक स्थिति से गुजर रहे लोगों में भी बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर होता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी गई है, जो कि अंततः बवासीर के रूप में बदल जाता है।
तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि अगर आप में से कोई भी बवासीर से पीड़ित है तो आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक औषधियां और कुछ घरेलू उपाय जिनको परफेक्ट होम रेमेडीज के नाम से जाना जाता है, और कुछ व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने से बवासीर की समस्या को पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा एक नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉल करके हमसे बवासीर से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में बिल्कुल मुफ्त सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।